हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सीसेट का इस सीरीज में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं जो पार्ट बेसिक न्यूमरेसी। तो ये बेसिक न्यूमरेसी इस पार्ट का हम चैप्टर टू डिस्कस कर रहे हैं, जो चैप्टर टू है एचसीएफ और एलसीएम। तो पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम के जो थ्योरीज है, यानी कि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसके सारे जो एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, कैसे इसको हम लोग, क्या क्या मेथड है इसको निकालने के लिए, क्या उसके गोल्डन रूल्स है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा था। लेकिन सीसेट में क्या होता है कि जब तक आप प्रैक्टिस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, जितना मर्जी आप लोग थ्योरी क्यों ना समझ ले, एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस ही आएंगे। तो इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है, अगर थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगी तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में जो थ्योरीज दिया था, और इस क्लास में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बोला था कि फर्स्ट जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम का हम लोगों ने थ्योरी और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का दो वीडियोस हम लोगों ने किया था। देन एलसीएम और एचसीएफ का जो थ्योरी पार्ट हो चुका है, और आज इस पार्ट पे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक्स दे दूंगा, आप वहां से जाके उनको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चन दोनों ही करना बहुत जरूरी है, तभी जो ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जो बेसिक न्यूमरेसी के ये जो चैप्टर्स है, वन बाय वन हम सारे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कैसा होता है कि यहाँ पे हम लोग कुछ ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे मैं अलग अलग जो पैटर्न है वो पैटर्न को प्रैक्टिस करूंगा, ताकि आप समझ ले कि पैटर्न कैसे आने वाला है, उसको कैसे बहुत स्मार्टली हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो पहला मेथड अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पे आपको जो प्रश्न है वो प्रश्न को ठीक से समझना है, दो तीन बार प्रश्न को पढ़िए, वो प्रश्न जो है उसने क्या डिमांड किया है उसको समझिए, उसके बाद है जो आपके थ्योरीज में आप लोगों ने पढ़ा है, जो नॉलेज आप लोगों ने गेन किया है उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि एलसीएम दो नंबर का अगर एलसीएम है 48 और वो दो नंबर अगर 2:3 रेशियो में है, तो वो दो नंबर का सम क्या है। ओके, तो इसमें आपको क्वेश्चन ठीक से समझना है। इसमें दो नंबर बोला है कि दो नंबर जो है वो 2:3 रेशियो में है, और उनके जो एलसीएम है 48। तो यहां पे अगर हम समझेंगे दो नंबर, मान लीजिए 2x और 3x, ये 2:3 रेशियो में है। तो यहां पे जैसे कि हम लोगों ने किया था कि जो एलसीएम ऑफ टू नंबर और वो प्रोडक्ट भी सेम होता है, तो यहां पे क्या होगा 2:3, यहाँ पे उनके जो एलसीएम अगर 2x और 3x का हम लोग एलसीएम निकालेंगे वो होगा 6x। ओके, तो ये 6x क्या होगा, ये नंबर होगा। ओके, तो ये इसका एलसीएम होगा, तो इससे हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या होगा, 48/6 यानी कि 8। तो 8 हुआ x का वैल्यू। अब 8 को यहाँ x के जगह अप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 2:8 16, और दूसरा क्या होगा 3:8 24, यानी कि पहला नंबर जो है 16 और दूसरा नंबर होगा 24। तो 16 और 24 का अगर आप लोगों ने एलसीएम निकाला है तो इसको देखेंगे, इसको इसका एलसीएम होगा 48। अब इसमें ये आंसर नहीं है, तो इसमें पूछा है कि ये दो नंबर तो आप लोगों ने निकाल लिया, लेकिन इसका समेशन क्या होगा, यानी कि 16+24 कितना होगा। तो 16+24 = 40। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये है 40। तो इसमें अगर देखा जाए एकदम सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको समझने का, आपको ऑटोमेटिक अगर आप लोगों ने थ्योरी पार्ट को किया है तो इजीली आप कर पाएंगे। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली समझ पाएंगे। ओके, तो यहां पे एक सिंपल क्वेश्चन है कि 1122 का फैक्टर्स क्या क्या है। तो जैसे कि हम लोगों ने इसको पहले फैक्टराइजेशन के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये बेसिकली एक इवन नंबर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे इसका वैल्यू कितना आएगा, 561।
तो ये क्या है, एक इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। ट्राई करते हैं इसको 3 से डिवाइड करने के लिए, तो इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 187। तो 187 ये जो है इसको हम लोग 2 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से भी नहीं कर सकते, 5 से भी नहीं कर सकते, 5 तो इवन सॉरी प्राइम नंबर है नहीं, 7 से भी नहीं कर सकते, देन 9 से भी नहीं कर सकते, देखते हैं 11 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 11 से अगर इसको डिवाइड करेंगे इसका वैल्यू आएगा 17। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 × 3 × 11 × 17, एकदम सिंपल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 × 3 × 11 × 17, एकदम सिंपल आंसर है। इसको अगर आप लोगों ने ठीक से समझा है तो ये सब कुछ भी नहीं है आपके लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए इसको, कि 5 लोगों ने बुलेट फायर किया है एक टारगेट में। तो 5 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, उन्होंने एक टारगेट में उनको बुलेट फायर करता है। तो यहां पे ये लोग पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति यहां पे हर 6 मिनट में एक बार फायर करता है, दूसरा व्यक्ति जो है हर 7 मिनट में एक बार फायर करता है, तीसरा जो है हर 8 मिनट में एक बार फायर करता है, चौथा जो है हर 9 मिनट में एक बार फायर करता है, और पांचवा हर 12 मिनट में एक बार इस टारगेट में ये बुलेट फायर करता है। ओके, तो ये क्या होता है कि उन लोगों ने अगर सपोज एक ही टाइम स्टार्ट किया, तो हर टाइम के बाद उन लोग की जो फायर की टाइमिंग ये कोइंसाइड होगी। ओके, क्योंकि एक ही टाइम में सारे जो लोगों ने एक ही टाइम में फायर किए होंगे, तो इसमें इसके हिसाब से एक घंटे में ऐसे कितने ओकेजन आएंगे जिस ओकेजन में यहां पे ये जो है इन लोग एक ही टाइम फायर करेंगे। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इनके जो है इनके हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो यहां पे अगर देखें तो यहां पे अगर हम लोगों ने 6, 7, 8, 9 और 12 का हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम लोग पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने से ये आया 3, ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो इसको हम लोग 7 रखेंगे, 2 से 8 को डिवाइड करने से ये आएगा 4, 9 को डिवाइड नहीं करते 9 को वैसे ही रखेंगे, 12 को करने से 12 का आएगा 6, देन फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 3 डिवाइड नहीं होता तो ये आएगा 3, देन जो 7 है 7 को डिवाइड नहीं करते ये आएगा 7, 4 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते ये आएगा 2, देन 9 को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते ये आएगा 9, देन ये भी आएगा इसका वैल्यू 3। तो इसको अगर भी हम लोग 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3, देन 7, 1, 9, 3, ओके, देन इसमें 2 से डिवाइड करने के लिए कुछ भी नहीं, तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 1, 7, 1, 3, 1, ओके, फिर इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1, 7, 1, 1, 1, फिर इसको क्या करेंगे, इसमें एक ही नंबर है जो 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 1, 1, 1, 1, 1, ओके, तो इसको अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 504। तो 504 जो है 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम है, यानी कि जो व्यक्ति है ये व्यक्ति जो है 504 सेकंड में एक बार जो है इन लोग पांचों के जो फायर जो बुलेट उन लोग फायर कर रहे हैं, 504 सेकंड में हर एक बार उन लोग की टाइमिंग मिल जाती है, यानी कि एक ही शॉट फायर होता है एक ही टारगेट में। तो एक घंटे में अगर देखेंगे तो एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड, एक घंटे में 60 मिनट, तो 60 × 60 कितने हो गए, 3600, यानी कि एक घंटे में 360 सेकंड्स होते हैं। तो इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, तो 360 / 504, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट इसका जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा 7.4 सेकंड, यानी कि 7.414 टाइम्स जो है ये एक घंटे में ये पांचों लोगों के यहां पे
उतने टाइम सात बार जो है उन लोग की जो टाइमिंग कोइंसाइड करेगी एक घंटे में, अगर लगातार ये बुलेट फायर करते रहेंगे तो इसके हिसाब से इसका जो 7.4 जो इक्विवेलेंट हम लोग 7 रख सकते हैं, तो यानी कि एक घंटे में सात बार ऐसा होगा कि ये पांचों लोगों ने जो अलग अलग टाइम इंटरवल पे बुलेट फायरिंग किया है तो सात बार ऐसा होगा कि उन लोग की जो टाइमिंग कोइंसाइड हुई है पांचों के पांचों। तो एकदम सिंपल आंसर है, इसको एलसीएम से हम लोग ने निकाल के इसको प्रैक्टिस किया, तो ये आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस कर लिया समझ लिया जाएगा, तो ये पैटर्न के और भी हम लोग दो चार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। नेक्स्ट हम लोग यहां पे देखते हैं कि सपोज यहां पे तीन रॉड है जिसका जो मेजरमेंट है 4 मीटर 3 सेंटीमीटर, 4 मीटर 34 सेंटीमीटर, 4 मीटर 65 सेंटीमीटर। तो यहां पे ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगी जो इसको इक्वली कट डाउन करेगी, तो 4 मीटर एंड 33 सेंटीमीटर को हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे इक्वली तो इसको कंफ्यूज करने के लिए रखा है, तो 4 मीटर में मतलब कितने सेंटीमीटर होता है, 400 प्लस 3 सेंटीमीटर यानी कि कितना होगा यहां पे 403, देन 4 मीटर 34 सेंटीमीटर मतलब 434 सेंटीमीटर, इसको हम लोगों ने मीटर से सेंटीमीटर तक कन्वर्ट कर लिया है, देन ये 465 सेंटीमीटर। अभी क्या करना है हम लोग को, इनके HCF निकालने हैं यानी कि 403, 434 और 465 इसके हम लोग को HCF निकालने हैं। तो इसको इसका आप लोगों ने HCF निकाले, तो इसका अगर आप लोगों ने HCF निकाल लिया तो ये वैल्यू कितने होंगे, HCF ये होंगे 31, तो ये होंगे 31 यानी कि ये सारे जो रॉड हैं इसको अगर इक्वली कट डाउन करेंगे तो हम लोग 31 अगर सेंटीमीटर के हिसाब से इसको कट डाउन करेंगे तो इसके टोटल हम लोग 31 के हिसाब से करेंगे तो इक्वली कट डाउन होंगे। अभी यहां पे ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न यहां पे जो पूछा गया है, सॉरी यहां पे मैंने गलत लिख दिया, यहां पे 31 नहीं, यहां पे HCF जो है यहां पे 13 है, 13 तो 13 सेंटीमीटर के हिसाब से यहां पे हम लोग इक्वली इन रॉड को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अभी यहां पे क्या करना है हम लोग को देखना है कि यहां पे जो है 31 जो है इसके हिसाब से इसका जो सही आंसर है 31। तो यहां पे अगर देखा जाए सेम टाइप की क्वेश्चन है, यहां पे 78 सेंटीमीटर और 4 मेटल रॉड है, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर। तो इसमें अगर इक्वली इन लोगों को हम लोग को डिवाइड किया होगा तो मतलब ये चारों जो लेंथ के रॉड्स है इसको हम लोगों ने इक्वली डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ऐसे कितने टुकड़े होंगे उनके जो कलेक्टिव यहाँ पे पीसेस कितने होंगे, तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है 78 जो है 78, 104, 117 और 169 इसके हम लोग को HCF निकालना है। तो इसके अगर HCF आप लोगों ने निकाला तो इसका जो HCF आप लोग देखेंगे इसका जो HCF है होंगे 13। अभी 78 को हम लोग को अगर इक्वली डिवाइड करेंगे तो 13 सेंटीमीटर से हम लोग इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो अब देखेंगे 78 को हम लोग अगर 13 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो कितने ऐसे टुकड़े बनेंगे, 6 टुकड़े बनेंगे। फिर देखेंगे 104 को अगर हम लोग ऐसे ही डिवाइड करेंगे तो कितने टुकड़े बनेंगे, 8 टुकड़े बनेंगे। 117 को 13 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो कितने टुकड़े बनेंगे, 9 टुकड़े बनेंगे। 169 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितने टुकड़े बनेंगे, 13 टुकड़े। तो इसको हम लोगों ने कर लिया, तो इनके टोटल कितने होंगे, तो 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 13, तो ये आप लोग करके देखेंगे इसका टोटल है 36। तो इसका करेक्ट आंसर है 36। तो एकदम ध्यान से क्वेश्चन को है ध्यान से आपको पढ़ना है तब इजीली आप लोग इसको कर पाएंगे। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि यहां पे एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लास हॉबी क्लब्स है यहां पे। वो हॉबी क्लब्स कौन से हैं, एक है फोटोग्राफी का, एक है याचिंग का, एक है चेस का, एक है इलेक्ट्रॉनिक्स का और एक है गार्डनिंग का। तो यहाँ पे 5 अलग अलग हॉबी क्लब्स है जहां पे लोग वहां पे अपने अपने हॉबी पर्टिकुलरली हर ग्रुप में यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो गार्डनिंग वाले ग्रुप है हर 2 दिन में एक बार मिलते हैं, देन इलेक्ट्रॉनिक वाले जो ग्रुप है हर 3 दिन में एक बार मिलते हैं, जो चेस के जो ग्रुप है हर 4 दिन में एक बार मिलते हैं यानी कि हर 4 दिन में उन लोग की वहां पे बैठक होती है, याचिंग की जो ग्रुप है हर 5 दिन में एक बार मिलते हैं, फोटोग्राफी का जो यहाँ पे ग्रुप है हर 6 दिन में मिलते हैं। तो ऐसा भी होगा कि यहाँ पे आज सपोज एक दिन में गार्डनिंग का और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ग्रुप मिल गए, एक दिन में गार्डनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोग्राफी के ग्रुप मिल गए तीनों, लेकिन ऐसा कब होगा कि यहाँ पे पांचों के पांचों ग्रुप एक ही दिन में मिल गए, और ये पांचों के पांचों ग्रुप अगर एक ही दिन में कितने डिफरेंस में मिलेंगे और उतने डिफरेंस जो है 180 डेज में कितनी बार होगी। तो इसमें ये
पूछा गया है। तो इसमें अगर देखेंगे तो हम लोग यहां पे टू जो बोला गया है कि गार्डियन ग्रुप हर दो दिन में एक बार मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप हर तीन दिन में एक बार मिलता है, थ्री देन चेस ग्रुप हर चार दिन में एक बार मिलता है, याचिंग की ग्रुप हर पांच दिन में एक बार मिलता है, फोटोग्राफी के ग्रुप हर छह दिन में एक बार मिलता है। तो इन पांचों का हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो इन पांचों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि ये जो है इसका एलसीएम आएगा 60। तो ये 60 मतलब ये पांचों के पांचों जो ग्रुप है हर 60 दिन में एक बार डेफिनेटली पांचों के पांचों ग्रुप मिलते हैं। तो हर 60 दिन में अगर एक बार मिलते हैं तो 180 डेज में कितने मिलेंगे, तो 180 डेज डिवाइडेड बाय 60 यानी कि तीन बार, यानी कि 180 डेज में ऐसा तीन बार होगा कि पांचों के पांचों ग्रुप इन लोग मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। ये भी लगभग सेम टाइप का ही एक क्वेश्चन है कि 6 बेल्स है यहां पे, ओके। तो ये 6 बेल जो है अलग अलग इंटरवल पे बजते हैं। तो यहां पे पहला बेल जो है ये 5 सेकंड के इंटरवल पे बजता है, दूसरा बेल जो है 10 सेकंड के इंटरवल पे बजता है, तीसरा जो बेल है 15 सेकंड के इंटरवल पे बजता है, चौथा जो है 20 सेकंड के इंटरवल पे, पांचवा जो है 25 सेकंड के इंटरवल पे, और छठा जो है 30 सेकंड के इंटरवल पे बजता है। तो एक घंटे में ऐसा कितनी बार होगा कि ये 6 बेल जो है ये एक ही साथ बज गए। तो इनके लिए भी हम लोग को इनके एलसीएम निकालने होंगे, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25 और 30 इनके हम लोग को एलसीएम निकालने हैं। तो इनके अगर एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे इसके जो एलसीएम है ये होंगे 300, यानी कि 300 सेकंड्स में ये 6 के 6 बेल जो है एक ही साथ बजेंगे, ओके। 300 सेकंड मतलब कितना होता है, 5 मिनट, यानी कि हर 5 मिनट में ये जो 6 के 6 बेल एक ही बार में बजेंगे। तो एक घंटे में ऐसा कितना होगा, तो एक घंटे में जैसे कि हम जानते हैं एक घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट, 60 को आप लोग 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा, 12। तो ऑलरेडी पहली बार एक बार बज चुका है तो 12 बार ऐसा होगा। तो पहली बार को आप अभी उसको काउंट करना पड़ेगा। तो पहली बार को अगर आप लोगों ने काउंट किया, पहली बार एक बार बज गया, टोटल कितना होगा, 12। तो 1 + 2 = 13, इसमें 12 मत लिख दीजिए क्योंकि एक बार पहली भी बज चुका है, उसके बाद 12 बार बजेगा। तो इसको अगर आप लोगों ने समझ लिया तो एकदम ये एक गेम जैसे लगेगी आपको। HCF और LCM दो नंबर जो है उनके HCF और LCM है 8, यानी कि HCF है 8 और LCM है 48, और इनमें से एक नंबर अगर 24 हो तो दूसरा क्या होगा। सिंपल, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि दो नंबर का HCM और LCM को अगर मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होता है। तो यहां पे अगर देखा है एक नंबर बोला है 24 और मान लीजिए दूसरा नंबर है x, 24 = x मतलब LCM और HCM का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो यहां पे अगर देखा जाए एक का HCF है 8 और दूसरे का है 48, तो यहां पे x का वैल्यू निकालने में एकदम इजी होगा, 8 × 48 / 24, तो x का वैल्यू होगा 16। तो इसमें दूसरा नंबर क्या होगा, 16। तो एक नंबर होगा 24 और दूसरा नंबर होगा 16। तो 24 और 16 का आप देखिए HCF होगा 8 और दोनों का अगर LCM निकालो तो LCM होगा 48, तो 16 ये करेक्ट आंसर होगा। यहां पे क्या बोला है कि एक व्यक्ति के पास 403 लीटर की पेट्रोल है, 465 लीटर की डीजल है और 496 लीटर की मोबिल है, ओके। तो यहां पे अभी उनको क्या करना है, उनको यहां पे बॉटल्स में इक्वली भरना है। ये मतलब पेट्रोल को अलग अलग बॉटल्स में इक्वली भरना है, मोबिल को अलग अलग बॉटल्स में इक्वली भरना है और डीजल को भी अलग अलग बॉटल्स में इक्वली भरना है, यानी कि एक बोतल में जितने भरेंगे दूसरे बोतल में भी उतने ही भरने हैं। लेकिन यहां पे क्या है कि उन लोग जो है पेट्रोल और डीजल को मिक्स नहीं कर सकते हैं, तो यहां पे उनको कितनी ऐसी बॉटल्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें भी सेम है, तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे 403, 465 और 496, इन तीनों का हम लोग को HCF निकालने हैं। इन तीनों का अगर आप लोगों ने HCF निकाला तो इसका वैल्यू आएगा 31 लीटर, मतलब एक बोतल में जो है अगर इक्वली हम लोगों ने भरा तो एक बोतल में हम लोग मैक्सिमम 31 लीटर्स भर सकेंगे विदाउट मिक्सिंग,
ओके तो 31 लीटर से अगर भरेंगे तो 31 लीटर से ऐसे कितने लगेंगे, तो अगर हम लोग को एक बोतल में अगर 400 टोटल अगर 403 लीटर ऑफ पेट्रोल भरना है तो 31 से हम लोग 403 को हम लोग डिवाइड करेंगे 31 से, वैसे 465 को भी डिवाइड करेंगे 31 से, फिर 496 को भी डिवाइड करेंगे 31 से, तो कितना आएगा वैल्यू, तो इसमें देखेंगे इसमें 13 ऐसे बोतल लगेंगे कंप्लीट पेट्रोल को 31 लीटर्स के इक्वल क्वांटिटी में भरने में, देन 465 लीटर्स ऑफ डीजल को भरने में कितने बॉटल्स लगेंगे 15 बॉटल्स लगेंगे, और जो 496 लीटर मोबिल को भरने में कितने बॉटल्स लगेंगे 16 बॉटल्स लगेंगे, तो टोटल नंबर जो है बॉटल 13 15 और 16 इनका समेशन होगा, तो इनका समेशन अगर आप लोगों ने करके देखा तो ये होगा 44, तो ये व्यक्ति को टोटल ऐसे 44 बॉटल्स अगर उनको मिल गए जिनमें वो 31 लीटर्स हर बॉटल में भरेंगे तो ये क्वांटिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये होगा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे 30 पाइनएप्पल ट्रीज, 45 ऑरेंज ट्री और 60 मैंगो ट्रीज, तो इन लोग को ऐसे जो इन ट्रीज को ऐसे प्लांट करना है कि एक जगह में कि यहां पे रिपीट नहीं हो सकते, कि एक रो में यहां पे मैक्सिमम एक रो में यहां पे सिर्फ एक ही वैरायटी हम लोग प्लांट कर सकते हैं, तो यहां पे मिनिमम ऐसे कितनी वैरायटी की यहां पे जरूरत पड़ेगी, तो यहां पे अगर देखा जाए सेम है 30, 45 और 60, तो इनके हम लोग को HCF निकालने हैं, इनके हम लोगों ने HCF निकालेंगे तो ये होंगे 15, तो ऐसे 15 रोज लगेंगे जिनमें अगर करेंगे तो ये रिपीट नहीं होंगे, तो यहां पे अगर देखा जाए टोटल यहां पे प्लांट्स कितने हैं, तो यहां पे अगर देखा जाए टोटल प्लांट्स अगर हम लोग देखें, यानी कि जो हम लोगों ने ऑरेंज के अगर 15 एक रो में 15 होंगे तो ऑरेंज के ऐसे कितने होंगे, दो रो होंगे, ओके तो यहां पे अगर देखा जाए कि इसके हिसाब से जो सॉरी मैंने गलत बोल गया, पाइनएप्पल के ऐसे कितने रो होंगे, दो रो होंगे, 15 अगर एक रो में प्लांट किया तो जो है ये ऑरेंज के कितने रो लगेंगे, तीन रो लगेंगे ऑरेंज के, देन यहां पे जो है मैंगो के कितने रो लगेंगे, मैंगो के चार रो लगेंगे, तो इसको अगर हम लोगों ने इसके हिसाब से मल्टीप्लाई किया टोटल आप देखेंगे 9, तो इसको हम लोग और तरीके से भी देखें टोटल कितने प्लांट्स हैं यहां पे 30 प्लस 45, अब इसको वेरीफाई करके भी देखते हैं 60, टोटल कितने होंगे यहां पे 135, और अगर हम लोग एक रो में मैक्सिमम 15 प्लांट लगा सकते हैं तो 135 प्लांट लगाने में कितने हम लोग को रोल लगेंगे, 135 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 9, यानी कि हम लोग को ऐसे यहां पे मिनिमम नंबर ऑफ रोज लगेंगे 9, तो इसका सही आंसर है 9। तो यहां पे क्या बोला है कि एक व्यक्ति के पास कॉपर के रॉड है जिसकी लेंथ है 52 मीटर 65 मीटर 78 मीटर और 91 मीटर, तो ये व्यक्ति क्या करने चाहते हैं कि ये चारों रॉड्स को जो इक्वली यहां पे कट डाउन करने चाहते हैं, तो यहां पे विदाउट ताकि यहां पे वेस्टेज ना हो, तो ऐसे अगर करेंगे तो उन लोग के पास कितने रॉड यहां पे हो जाएंगे, तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है तो आपके लिए काफी सिंपल होगा, तो यहां पे क्या करना है 52, 65, 78 और 91 को हम लोग को HCF निकालना है, तो इसका अगर आप लोग HCF निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 13, यानी कि 13 मीटर जो है अगर कट डाउन करेंगे तो ये चारों के चारों रॉड जो इक्वली डिवाइड किया जा सकता है, तो 13 के हिसाब से हम लोगों ने अगर डिवाइड किया तो 52 वाले मीटर वाले रॉड को 13 डिवाइड करेंगे 30 मीटर के हिसाब से कितने बनेंगे, चार बनेंगे, 65 को अगर हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे तो कितने होंगे 5, 78 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितने होंगे 6, 91 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितने होंगे 7 पीसेस, तो इनके अभी समेशन यानी कि इन व्यक्ति के पास ऐसे कितने टोटल पीसेस होंगे, तो इनके समेशन कर देखिए 22, तो इनके पास ऐसे 22 पीसेस बन जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 22। तो यहां पे बोला है कि LCM एंड HCF ऑफ दो नंबर XYZ, और यहां पे ये जो है इनके जो वैल्यू है 3 और 105 के बीच में है, तो अगर X प्लस Y इक्वल 36 है तो 1/X + 1/Y कितना होगा, तो यहां पे ये बोला गया है कि HCF और LCM, तो यहां पे ये बोला गया है, तो यहां पे X और Y को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 into 105, तो बोला गया है यानी कि
इसको कितना होगा 315, तो x y इक्वल 315, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए. नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोला है, x प्लस y, x प्लस y कितना बोला है 36. तो यहां पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेशन 1 से यहां पे डिवाइड करेंगे, यानी कि x प्लस y डिवाइडेड बाय xy, यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 315. तो इसको अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू जो है इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो इसको 3 से करेंगे तो 5, तो 3 से करेंगे तो 35 4, तो इसका वैल्यू जो है 4/35. एकदम सिंपल, इसमें आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, बाकी एक सिंपल कैलकुलेशन है. तो यहां पे बोला गया है कि एक जो नंबर इसका जो HCF है x³ - 10mx² + 31x - 3m, और दूसरा नंबर x² - 8mx + 15. तो यहां पे m का वैल्यू क्या होने से ये दोनों का HCF जो होगा एक लीनियर पॉलीनोमियल होगा. तो यहां पे हम लोग मान लीजिए, इजी के लिए हम लोग मान लेते हैं कि यहां पे m का जो वैल्यू है 1, तो इस क्वेश्चन में m का वैल्यू 1 करके देखिए तो क्या होगा, x³ - 10x² + 31x - 31. तो इसको अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन आप लोग करके देखिए, इसका टोटल फैक्टराइजेशन आएगा x - 2 x - 5 x - 3 और x - 3. ओके, देन दूसरा नंबर में, ये जो दूसरा नंबर है इसमें भी m इक्वल 1 पुट करके देखिए तो क्या आएगा, x² - 8x + 15. तो इसका भी फैक्टराइजेशन करने से आपको रिजल्ट आएगा x - 5 * x - 3. अभी इन दोनों का अगर हम लोग को HCF देखना है तो इन दोनों का अगर HCF देखेंगे तो कितना आएगा, x - 5 * x - 3. तो यहां पे m का वैल्यू अगर यहां पे हम लोग 1 रखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये लीनियर एक पॉलीनोमियल होता है. तो इसका सही आंसर जो है m = 1. 263, 935, 183. तो इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर होगा जिसमें तीनों में जो रिमाइंडर 7 होगा. तो यहां पे रिमाइंडर 7 बोला है, तो रिमाइंडर 7 के लिए डेफिनेटली ये जो नंबर है इसका अगर हम लोग रिमाइंडर 7 सब्सट्रैक्ट करके इसको करेंगे तो ये इक्वली डिवाइड होगा. तो 263 - 7 935 - 7 1383 - 7. तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 256, इसका वैल्यू आएगा 928, इसका वैल्यू आएगा 1376. अभी ये तीनों नंबर का हम लोग को HCF निकालना है. इन तीनों नंबर का अगर HCF निकालेंगे तो इसका वैल्यू देखेंगे आप 32. तो 32 ये इसका करेक्ट आंसर है. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इजीली समझ में आएगा. तो यहां पे बोला गया है कि रिमाइंडर 7 तीनों ही केसेस में बोला गया है, तीनों ही केसेस में रिमाइंडर 7. तो मतलब केस ऐसा है कि मान लीजिए कि आप लोगों को एक एग्जांपल दिया हूं मैंने, सपोज यहां पे 15 को हम लोग को इस तरह डिवाइड करना है 2 से, तो 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहां पे कितनी बार होगा, यहां पे अगर हम लोग 7 से करेंगे तो इसका रिमाइंडर 1. तो यहां की मतलब 15 - 1 ये जो वैल्यू है ये 2 से डिवाइड होता है. ओके, तो इसको आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं. तो एक नंबर जो 500 से छोटा है लेकिन जब वो डिवाइड करता है, डिवाइड किया जाता है इन नंबर से, यानी कि 4, 5, 6, 7, तो हर बार 1 जो है ये एक रिमाइंडर यहां पे होता है. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 4, 5, 6, 7 इनका LCM निकालेंगे. तो 4, 5, 6,
सेवन, इसका एलसीएम हम लोगों ने निकाला। तो इसका एलसीएम आप लोग निकाल के देखेंगे, इसका टोटल जो एलसीएम है ये होंगे। मैंने एलसीएम एचसीएफ ये पहले जो थ्योरी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कैसे निकालते, तो इसको अगर हम लोग फिर से करने के बैठ जाएंगे तो ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, तो इसको आप लोग कर लेके देखेंगे, इसको सेम होता है। तो इसका अगर हम लोगों ने एलसीएम निकाला तो इसका एलसीएम देखेंगे 420, तो इसका ये नंबर जो है 420, तो आप देख सकते हैं कि 420 जो हम लोग 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और ये 420 नंबर जो है ये 500 से कम है, तो यहां पे हर बार जो है 1 एक रिमाइंडर रह जाएगा। तो इसमें 420 प्लस 1 यानी कि वो नंबर जो पूछा गया है वो 420 नहीं 421 है, तो 421 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करके कैलकुलेट करके देख लीजिए, 420 को हम लोग ने अगर 4 से हम लोगों ने डिवाइड किया तो हर बार जो है एक यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे रह जाएगा। तो यहाँ पे सेम देख लीजिए आप, अगर वैसे हम लोगों ने इसको 7 से भी डिवाइड किया, 7 से भी डिवाइड किया तो हर बार एक यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ पे रह जाएगा, तो इससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसका जो आप ऐसे ये से, तो इसमें क्या हो गया, हम लोगों ने जितना हो सके पैटर्न को यहाँ पे डिस्कस किया ताकि आप लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम्स ना हो, और जितना आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितने आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। हम लोग ने जितना हो सके यहाँ पे पैटर्न डिस्कस किया, लेकिन यही सफिशियंट नहीं है, आप जितना यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे उतने ही भलाए होंगे। तो यहाँ पे मैंने जो भी बुक्स रेफर किए वो बुक्स यहाँ पे दे दी है, इसके जो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फ्रैक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप देखते रहिए स्टडी राइज। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलते रहे। और हम बिल्कुल ही नए यूट्यूब जो है, तो आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है हार्डवर्क करने के लिए, तो देखते रहे स्टडी राइज।